नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार सुकरी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य प्रशंसा। नेपाल में रवि दिन थप 205 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल। देश भर कैल गया 7995 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 2795 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 5 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देने अच्छा। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 9,18,184 पहुँचल है। तहिना कोरोना के कारण बीतल 24 घंटा में थप 1 गोटे के मृत्यु भेल। नेपाल में अखन धरि कोरोना के कारण 11,541 गोटे के मृत्यु भ चुकल है। बीतल 24 घंटा में थप 436 गोटे कोरोना संक्रमित निक भेल। नेपाल में अखन धरि 8,04,544 गोटे कोरोना संक्रमण से निक रहल छन। अखन नेपाल में 6,507 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में आ 97 गोटे क्वारंटाइन में रहल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देने अछि। नेकपा एमालेक नवनिर्वाचित सचिव रघुवीर महासेठ वर्तमान सरकार कोनो क्षेत्र में सफल होब नहीं सकल टिप्पणी केने छन। रवि दिन रिपोर्ट्स क्लब नेपाल आयोजना केने साक्षात्कार में नेता महासेठ सरकार असफल भेल जिक्र करैत अखन ताजा जनादेश के आवश्यकता रहल जिक्र कलन। ओ राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी से या अघन 28 गते के लिए सांसद अधिवेशन आह्वान भेल उल्लेख करैत वह दिन अपना सब कार्यवाही क चुकल सांसद सब के उपस्थिति रहने त पार्टी सदन चलन नहीं देव चेतावनी समेत दिलन। महासेठ नेपाल बार एसोसिएशन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा मांग करैत भ रहल आंदोलन गलत रहल आ तत्काले ई आंदोलन फिरता लेबा लेल मांग केने छन। अखन देश में न्याय सेवा सेहो प्रभावित भेल आ एहि के कारण वर्तमान सरकार रहल हुनकर कहब छल। महासेठ एमाले के 10वां राष्ट्रीय महाधिवेशन सफल रूप में सम्पन्न भेल आई ऐतिहासिक रहल हुनकर कहब छल। ये वर्तमान सरकार अगाडि बढ्न सकेको छैन। एउटा असफल सरकारको रूपमा नेपाली जनताको बीचमा स्थापित भएको छ र यो सरकारबाट केही हुन्न, यो सरकारले केही गर्न सक्दैन त्यो नेपाली जनताले बुझेको पनि छ। र हामी नेकपा एमालेले अब नयाँ जनादेश कि जब यो सरकारले यो पवित्र अपवित्र गठबन्धनको सरकारले केही गर्न नसकेपछि देशलाई बन्दकी बनाएर राख्नु भएन अर्थात् बन्दक बनाएर राख्नु भएन र अब नयाँ निर्वाचन तब जानु पर्यो त्यो माग हामीले पनि गरिसकेका छौँ। सक्दो छिटो देशको हितमा जनताको हितमा अब नयाँ निर्वाचनको अर्को विकल्प छैन। नेकपा एमाले जहिले पनि जनताको बिचमा जान तयार थियो छ र रहनेछ। हाम्रा सधैँ सप्ताहव्यापी विवाह पंचमी महोत्सव के आज तेसर दिन धनुष यज्ञ रहल अछि। 7 दिन धरि मनाओल जाय वाला मिथिला के विवाह पंचमी महोत्सव के पहिल दिन जानकी नगर दर्शन, दोसर दिन फुलबारी लीला संगे आज तेसर दिन धनुष यज्ञ राम सीता के धनुष लीला प्रतीकात्मक रूप में देखा जायत। त्रेता युग में भगवान श्री राम एवं जगत जननी माता जानकी के स्वयंवर भेल दिन के प्रतीकात्मक बनाकर प्रत्येक वर्ष जनकपुर धाम में धनुष यज्ञ आज के दिन होत। आज दिनक 4 बजे से 12 बीघा रंगभूमि मैदान में धनुष यज्ञ रहल। धनुष यज्ञ में त्रेता युग में विदेह राजा जनक अपन पुत्री माता जगत जननी सीता के विवाह के लिए शिव धनुष तोड़ सकबाक जेहन योद्धा संग मात्र विवाह कर प्रावधान रखलाक बाद साधारण मनुष्य के अवतार में आयल भगवान विष्णु के राम अवतार शिव धनुष के तोड़ धनुष तोड़ाक बाद राम सीता के विवाह भेल किवंदती रहल। विवाह पंचमी के पहिल दिन नगर दर्शन, दोसर दिन फुलबारी लीला, तेसर दिन धनुष यज्ञ, तहिना 4 दिन तिलोकोत्सव, 5 दिन कुमरन आ 6 दिन राम सीता स्वयंवर तथा विवाह कार्यक्रम रहल। राम जानकी विवाह महोत्सव त्रेता युग में भगवान राम जानकी के विवाह भेल स्मरण में प्रत्येक वर्ष मिथिला क्षेत्र में भव्यता के साथ मनाओल जात। ढलकेबर जनकपुर जटही 6 लाइन सड़क निर्माण में ठेकेदार के चरम लापरवाही देखल गेल। रामानंद चौक स्थित 0 माइल के बीच बाट में ब्रह्मपुरा चौक के बिजली के पोल अहिना छोड़कर कालो पत्रे शुरू कैल गेल। सड़क स्तोत्री भ
सिक्स लाइन बन लागल बाद अस्वाभाविक रूप में सवारी साधन के गति संगे चाप बढ़ लागल एहन अवस्था में बिजली के पोल बीचे में छोड़ कर कालो पत्रे केने बाद कोनो समय दुर्घटना भक बड़का जनधन के क्षति होब सकबाक स्थानीय सब उपराग व्यक्त कलन। साधु के भेष में भारत से नेपाल प्रवेश केने दू गोटे शंकास्पद व्यक्ति के वीरगंज से नियंत्रण में लेल गेल वीरगंज के नकवास के स्थानीय सब दू गोटे साधु के नियंत्रण में लक प्रहरी के जिम्मा लगौने चाहन परिचय शोध पूछ केने क्रम में सही नाम ठिकाना नहीं बतौला के बाद शंकास्पद ओ दुनू व्यक्ति के स्थानीय सब नियंत्रण में लक प्रहरी के जिम्मा लगेने चाहन साधु भेलो पर दुनू गोटे हिंदू देवी देवता के नाम समेत बताब नहीं सकल स्थानीय सबके कहब दुनू गोटे ऊपर थप अनुसंधान भर परसा प्रहरी जानकारी दिलन। नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादित विद्युत देश भित्रे खपत कर अभियान अंतर्गत प्रदेश दू में रहल 12 परसा औद्योगिक कॉरिडोर क्षेत्र में 5 वर्ष भित्रे 2000 मेगावाट विद्युत खपत होब जेहन पूर्वाधार बनाब लागल 12 परसा औद्योगिक कॉरिडोर में पड़ल सिमरा निजगढ़ वीरगंज परवानीपुर पोखरिया प्रसौनी लगात के क्षेत्र में अखन संचालन में रहल तथा आगामी दिन में संचालन होब वाला उद्योग सबके लक्षित करते प्राधिकरण व्यापक व्यापार रूप में विद्युत प्रसारण तथा वितरण लाइन के पूर्वाधार संरचना बनाब लागल प्राधिकरण के मुख्य रूप में उद्योग सबके मांग केने अनुसार भरपूर आ गुणस्तरीय विद्युत द क खपत बढ़ाव अल्पकालीन आ दीर्घकालीन योजना अंतर्गत पूर्वाधार विस्तार आ शुद्धिकरण के उच्च प्राथमिकता में राखि कर काज कैल जात प्राधिकरण तराई क्षेत्र में विद्युत लाइन विस्तार के लेल हुलाकी राजमार्ग होइत 400 KV प्रसारण लाइन निर्माण के अवधारणा आगा बढ़ौने जानकारी देने अछि। सिमरा आ वीरगंज क्षेत्र के उद्योग समय विद्युत आपूर्ति के विश्वसनीय बढ़ाव हेठौड़ा परवानीपुर 66 KV डबल सर्किट प्रसारण लाइन के क्षमता विस्तार तथा शुद्धिकरण के लिए नया टावर थप कर आ पुरान कंटेनर निकाल कर बेसी क्षमता के राख जेहन अनेकों काज अखन भरहल है। महतरी जिला के मठियानी नगर पालिका नगर प्रमुख हरि प्रसाद मंडल शनि दिन एक कार्यक्रम के बीच सिमरदही आ प्रकौली जोड़नी सड़क के सिमरदही मुस्लिम टोल में कलभट अर्थात पुल के शिलान्यास केने शनि मठियानी नगर पालिका के सिमरदही जलेसर प्रकौली जाय वाला सड़क में रहल कृषि पैनी में पुल नहीं रहला से वह ठामक स्थानीय वासी सबके आवत जावत में कठिनाई उत्पन्न होइत छल। पुल मठियानी नगर पालिका के करीब 28,54,000 रुपया लागत सहयोग में निर्माण भ रहल है। कलभट फागुन मसान्त धरि निर्माण सम्पन्न होब मठियानी नगर पालिका के प्राविधिक विमलेश शाह जानकारी दलन। शिलान्यास कार्यक्रम के संबोधन करत प्रमुख मंडल अधिक समय से पुल बिना समस्या भोग रहल जनता के पुल निर्माण संगे सहज होब जानकारी दलन। कार्यक्रम में मठियानी नगर पालिका 9 के वडा अध्यक्ष आबिद हुसैन योजना अधिकृत राजेश शर्मा नेपाली कांग्रेस के मदन चौधरी लक्ष्मी नारायण मावी के व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष मुसाफिर सहनी वडा सदस्य राम पुकार मंडल कार्यपालिका सदस्य सकल देव पासवान लगात के सहभागिता देखल गेल छल। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड कक्षा 12 के ग्रेड वृद्धि परीक्षा माघ 2 आ 3 गते संचालन होब जा रहल जानकारी करौनी अछि। शुक्र दिन बोर्ड सार्वजनिक केने नतीजा में कम GPA प्राप्त केनिहार विद्यार्थी के ग्रेड वृद्धि परीक्षा देब जानकारी दलन। रजिस्ट्रेशन नंबर के शुरू के 2 अंक 77 भेल आ बोर्ड के प्रमाण मापदंड पूरा कर परीक्षार्थी सबके बेसी में 2 विषय में मात्र ग्रेड वृद्धि परीक्षा में सम्मिलित होब सक व्यवस्था सहित ग्रेड वृद्धि के परीक्षा संचालन होब लागल जानकारी देनी अछि। परीक्षा में सहभागी होब चाहने विद्यार्थी संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रमाणित कराइब कर आगामी पुष 15 भीतर आवेदन फॉर्म भर जानकारी दलन। जानकी मंदिर के विश्व संपदा सूची में सूचीकृत कराब लेल संघीय सरकार से प्रतिबद्धता व्यक्त कैल गेल अछि। संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले जानकी मंदिर के विश्व संपदा सूची में सूचीकृत कराब प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। सीताराम विवाह महोत्सव 2078 के अवसर में मिथिला संस्कृत समाज शनि दिन काठमांडू में आयोजना केने कार्यक्रम के संबोधन करते आले धार्मिक आ सांस्कृतिक हिसाब सम्पन्न मैथिल सभ्यता के धरोहर के रूप में रहल जानकी मंदिर के जतेक जल्दी हाइत
विश्व सम्पदा सूची में सूचीकृत करय लेल अपने भरपूर प्रयास करब जानकारी देलनि। विश्व भर के हिंदू के आस्था के केंद्र के रूप में समित रहल प्राचीन मिथिला के राजधानी जनकपुर में अवस्थित जानकी मंदिर के विश्व संपदा सूची में सूचीकृत कराब पहल भेलो पर ई मूर्त रूप लेब नहीं सकल अछि। मैथिल सभ्यता के अगवा सब जनकपुर धाम के विश्व संपदा सूची में सूचीकृत कराब लेल अधिक समय से पहल करैत आयल छन। जनकपुर धाम में जानकी मंदिर में भगवान श्री राम के जन्म अवसर में हरेक चैत में रामनवमी, बैसाख में जानकी नवमी, मंसिर में राम सीता विवाह महोत्सव लगाए के विविध सांस्कृतिक उत्सव होत आयल अछि। या बीच अगहन 22 गते विवाह पंचमी पड़ल अछि। 3 वर्ष आगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवाह पंचमी के दिन जानकी मंदिर के पूजा अर्चना केने छलनि। द्वापर युग में अयोध्या के राजकुमार श्री राम आ मिथिला के राजा जनक जी के सुपुत्री जानकी के विवाह भेल दिन के स्मरण में विवाह पंचमी धूमधाम के साथ मिथिला क्षेत्र में मनाओल जात है। नेपाली कांग्रेसक प्रदेश 2 के नेतृत्व चयन केंद्रीय महाधिवेशन के बाद होब जानकारी आयल अछि। प्रदेश अधिवेशन के उद्घाटन भेल 3 दिन बीतो पर चुनावी प्रक्रिया आगा बढ़ नहीं सकल अछि। अधिवेशन उद्घाटन के औपचारिकता पूरा केलो पर निर्वाचन के प्रक्रिया शुरू नहीं कैल गेल अछि। प्रदेश सभापति लगात के पद सब में औपचारिक रूप में उम्मीदवारी समेत घोषणा भ चुकल अछि। प्रदेश 2 के 8 जिला में 32 निर्वाचन क्षेत्र रहल अछि, जाहि मध्य सप्तरी रौतहट से मतदाता सबके नाम निर्वाचन समिति में अखन धरि प्राप्त नहीं कैल गेल अछि। सरलाही जिला में अधिवेशन के प्रक्रिया बाधित अछि, त अहिना रौतहट आ सप्तरी जिला में प्रतिनिधि छनौट के काज सम्पन्न कर चुकल कहित आयल, मुदा निर्वाचन समिति में नामावली प्राप्त होब नहीं सकल यादव जानकारी देलनि। उच्च स्रोत सबके अनुसार प्रदेश के नेतृत्व चयन के प्रक्रिया आब महाधिवेशन के बाद मात्र कैल जायत। जनकपुर धाम में सीताराम विवाह महोत्सव प्रारंभ भ चुकल आ मूल समारोह अगहन 22 गते रहला से आब मतदान कराब सही नहीं रहल स्रोत के कहब अछि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा के अध्यक्ष में राजेंद्र लिंगदेन विजय भेल छथि। कमल थापा के 200 मत से पराजित करैत लिंगदेन रप्रपा के अध्यक्ष में विजय भेलनि। ओ निर्वाचन समिति के अनुसार लिंगदेन 1817 मत पेने छनि। अइ संगे ओ कमल थापा 1617 मत मात्र प्राप्त कयलनि। मत परिणाम सार्वजनिक भेलाक बाद नेता कार्यकर्ता के संबोधन करैत अध्यक्ष लिंगदेन आंतरिक प्रतिस्पर्धा के सामान्य रूप में लेलो पर नेपाली राजनीति में पुस्तांतरण के लेल अपन जीत महत्व रहल जिक्र कयलनि। नेपाली राजनीति में पुस्तांतरण के बात निरंतर रूप में उठि रहल, मुदा कोनो राजनीतिक पार्टी के नया पुस्ता आट नहीं केने आ घुमा फिरा कर पुराने नेतृत्व के स्थापित कर रहल परंपरा के राप्रपा तोड़ने हुनकर कहब छल। ओ आब राप्रपा में अग्रजर सबके समेत साथ विश्वास आ सहयोग लकर नया पुस्ता के समेत समायोजन करैत आगा बढ़त जिक्र कयलनि। राज संस्था आ हिंदू राष्ट्र के पक्षधर मात्र नहीं भकर नेपाल के समृद्ध आ समुन्नति चाहने सब गोटे के समेट कर आगा बढ़ प्रतिबद्धता जनौलनि। एउटा स्वाभाविक रूपको अब यो हाम्रो खास गरी पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा थियो र यो स्वाभाविक थियो र यसलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सामान्य रूपमा लिए पनि नेपालको राजनीतिमा यो जितले विशेष महत्त्व राख्छ, किनभने हामीले आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दाखेरि नै नेपालको राजनीतिमा पुस्तान्तरणको कुरा चाहिँ निरन्तर रूपमा उठिराख्ने, तर कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका अन्य नयाँ पुस्ताले अथवा युवा पुस्ताले आँट नगर्ने र अन्तत्वगतमा घुमेर फेरि चाहिँ पुरानै नेतृत्वलाई घुमाइ फिराइ स्थापित गर्ने जुन परम्परा थियो त्यसलाई तोड्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले योचोटि आफ्नो पार्टीभित्र मात्रै पुस्तान्तरण गरेको छैन, नेतृत्व नयाँ पुस्तामा लगेको छैन कि उसले नेपालको राजनीतिमै अन्य पार्टीका युवा पुस्ताहरूलाई समेत नयाँ पुस्तालाई समेत नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिंगदेन के समूह सब महामंत्री में विजय भेल। धवल शमशेर राणा प्रप्रपा के कार्यकर्ता नया शुरुआत कराब के प्रयास के ने जानकारी देलनि।
हामी दशकौँबाट हामी यो पार्टी को कार्यकर्ता दुखी थिए, पार्टीको यति राम्रो एजेन्डा हुँदाहुँदा पनि हामी अगाडि बढ्न सकिराखेको थिएनौँ। यो सबै कुरालाई समेटेर अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढ्छ। म सबै कार्यकर्ता नेताहरूलाई म यही यो तपाईँको टिभी मार्फत सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो देशलाई बनाउने क्रममा सबै हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ। धन्यवाद। लिङ्गदेन के समूह सर राणा प्रधान महाप्रधानमन्त्री महामन्त्रीमे विजय भेल छैन, तहिना राप्रपाके अध्यक्षमे कमल थापा पराजित भेलो पर पदाधिकारीमे थापा समूहके वर्चस्व देखल गेल अछि। हुनकर प्यानल्स उपाध्यक्षमे बुद्धिमान तमाङ, ध्रुव बहादुर प्रधान आ महिला उपाध्यक्षमे रोशन कार्की विजय भेलनि। अहिना महिला महामन्त्रीमे थापा समूहसँ कुन्ती शाही आ थापा प्यानलके भुवन पाठक सेहो महामन्त्रीमे निर्वाचित भेल छथि। लिङ्गदेन समूहसँ महिला महामन्त्रीमे उम्मेदवारी देने अभिनेत्री रेखा थापा पराजित भेल छथि। उपाध्यक्षमे विक्रम पाण्डे निर्वाचित भेल छनि। टुडे समाचारमे आब आर्थिक सम्बन्धी समाचार। आज हप्ता के पहिल दिन सोन के दाम प्रति तोला 700 रुपया से बढ़ल। नेपाल सुनचानी व्यवसाय महासंघ आज सोन के दाम निर्धारण करैत दाम बढ़ल जानकारी दिलक। आई छापावार सोन के दाम 92,000 रुपया रहल, तेजाबी सोन के दाम 91,500 रुपया कायम कैल गेल। बीतल हप्ता शुक्र दिन छापावार सोन के दाम प्रति तोला 91,300 रुपया आ तेजाबी सोन के दाम 90,800 रुपया कायम भेल छल। अहिना आई चांदी के दाम तोला में 10 रुपया से बढ़त प्रति तोला 1200 पहुँचल। बीतल हप्ता के शुक्र दिन चांदी के दाम प्रति तोला 1190 रुपया छल। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड में मोन जिला में बीतल रात सुरक्षा बल आ स्थानीय सब बीच भेल हिंसा में 13 गोटे युवक मारल गेल। सुरक्षा बल के गोलीबारी में 13 गोटे युवक के मृत्यु भेल भारतीय समाचार माध्यम जानकारी देने। मृतक के संख्या अखनो बढ़ सकत जानकारी आयल। आतंकवादी संगठन NSCN संग युवा संगलन भेल आशंका में ई गोलीबारी कैल गेल। रिपोर्टर के अनुसार घटना के बाद आक्रोशित गांवले सब सुरक्षा बल के गाड़ी में आगजनी केने छल। आक्रमण में मारल गेल सब पिकअप मिनी ट्रक से आबि रहल भारतीय समाचार माध्यम जानकारी देलन। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियोले घटना के निंदा केने छथि, अके उच्च स्तरीय SIT अनुसंधान कर जानकारी देने छथि। बेस्तर टुडे समाचार अखन के लेल एतबा, पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब। देखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखत रहिए टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।